जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होते हैं ना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब जो है, पहले बोर्ड खोल दूं थोड़ा। मैं बोर्ड कहाँ से देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब कि जेनेसिस का मतलब होता है स्पोर। ये समझ में आया? माइक्रोस्पोर मतलब क्या? हमारा पॉलन मदर सेल्स जो डिवाइड करके पॉलन ग्रेन बनाएगी, वो कैसे बनाएगी? ठीक है, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर, स्पोरो यहाँ पे कर दो, माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। माइक्रोस्पोर जेनेसिस जो होता है मतलब कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या हम लोग ने देखा कि यहाँ पे बाइलोब होते हैं वो, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बीच में कनेक्टिव होती है। ये चीज हम लोग, ये डाइथिकस है, एक ये थिकस और दूसरा ये थिकस है ना, और यहाँ पे कुछ एंडोथीसियम सेल्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू मौजूद था यहाँ पे सेंटर में। अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, यहाँ पे जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये क्या करते हैं? डेवलप करके, स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप करके क्या बना देते हैं? ये बनाते हैं, ये पोलन ग्रेन मदर सेल बनाएगा या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम आप बोल सकते हो, पोलन ग्रेन मदर सेल। अब ये जो पोलन ग्रेन मदर सेल जो है, पोलन ग्रेन मदर सेल फिर फर्दर म्यूटिक डिवीजन करेगा। म्यूटिक डिवीजन में क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन मदर सेल्स है, बहुत सारा पहले वो जुड़ा रहता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है कैलोज का, इसके ऊपर एक कैलोज का लेयर बनता है, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, ये जो कैलोज का लेयर होता है यहाँ पे, कैलोज का लेयर बीटा 1,3 ग्लूकेन का बना होता है। ठीक है, बीटा 1,3 ग्लूकेन, बीटा 1,3 ग्लूकेन का बना होता है। और ये क्या होता है, जैसे ये जो लेयर है, ये लेयर बन जाने की वजह से उसके आस पड़ोस में जो भी नेबर सेल्स होते हैं उसके साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है, और फिर फर्दर आगे चल के ये भी मतलब हट जाता है। ठीक है, ये डिजॉल्व हो जाता है आगे चल के। और इसके अंदर जो हमारा सेल है, अब ये जो सेल है हमारा, ये सेल अब फर्दर डिवाइड करेगा। कौन सा डिविजन करेगा? मियोसिस डिवीजन करेगा। मियोसिस डिवीजन से ये कितने सेल बनाएगा? चार सेल बनाएगा। अब चार सेल की, चार सेल कुछ इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको थ्री डी डायमेंशन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है एक इस तरह से, ठीक है, ये चार डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल कहेंगे। तो वो टेट्राहेड्रल, टेट्रा टेट्राहेड्रल बना सकता है, टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन बनाएगा। और टेट्राहेड्रल के अलावा वो क्या बना सकता है? आइसोबाइलेटरल बना सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से वो आइसोबाइलेटरल बना सकते हैं, या फिर डेकोसेट बना सकते हैं, या फिर लीनियर बना सकते हैं, या टी शेप बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें टेट्राहेड्रल मिलेगा ये वाला। और एक एग्जांपल है जो एरिस्टोलोचिया एलिगेंस है ना, तो इसको हम लोग पिक्चर प्लांट्स भी कहते हैं, है ना। और इस पिक्चर प्लांट में आपको ये चारों तरह का, मतलब ये पांचों तरह का, आपको ये पांचों तरह का पोलन ग्रेन बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक,
कुछ पोलिन ग्रेन्स ऐसे होते हैं कि ये जो टेट्राड्स हैं, ये टेट्राड्स अलग अलग होने चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आपस में फ्यूज करके एक कुछ इस तरह से बड़ा सा पोलिन ग्रेन बनाते हैं। ये पोलिन ग्रेन बनाते हैं और ये पोलिन ग्रेन को हम लोग कंपाउंड पोलिन ग्रेन कहते हैं। और ये कंपाउंड पोलिन ग्रेन का एग्जाम्पल क्या है, इसका नाम है जेनिकस। जेनिकस है ना, जेनिकस ये पौधे का नाम है। इस पौधे में इस तरह का पोलिन ग्रेन मिलेगा, कंपाउंड पोलिन ग्रेन। अब पोलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। पोलिन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, पोलिन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसके आउट उसके दो लेयर होंगे पोलिन ग्रेन के, एक आउटर और एक इनर। बहुत बढ़िया है ना। तो आउटर और इनर में क्या फर्क है कि जो इनर वाला जो लेयर है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये इनर वाला लेयर है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, आउटर वाले लेयर को हम लोग एग्जाइन कहेंगे, एग्जाइन कहेंगे, और इनर वाले लेयर को हम लोग इंटाइन कहेंगे। इनर वाले लेयर को हम लोग इंटाइन कहेंगे। एग्जाइन और इंटाइन में फर्क है कि जो एग्जाइन होता है बहुत ही हार्ड होता है, ये स्पोरो पोलिनिन का बना होता है, स्पोरो पोलिनिन है ना, स्पोरो पोलिनिन का बना होता है। और ये स्पोरो पोलिनिन कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम है ना, नॉट डिग्रेडेड है ना, केमिकली रेजिस्टेंट भी होता है, नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम है ना, या किसी केमिकल एंजाइम कोई केमिकल से ये डिग्रेड नहीं हो सकता। ठीक, एंटाइन जनरली उस कैलोज का बना होता है और ये इजीली डिग्रेड हो जाता है, कैलोज का बना देता है। अब मान लो ये चारों तरफ से घिरा रहेगा तो इसके अंदर जो मेल न्यूक्लियस है वो बाहर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ओपनिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको एक जगह स्पोर पोलिनिन होता है, मतलब एक पॉइंट पे जहाँ ऐसा होता है जहाँ पे स्पोर पोलिनिन मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से ही पोलिन ट्यूब बाहर निकलेगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हर पोलन ग्रेन का अलग अलग वायबिलिटी होती है। जैसे पोलन ग्रेन अगर आप एग्जांपल देखोगे राइस में या वीट में, अगर आप एग्जांपल दोगे राइस या वीट में, तो इसकी वायबिलिटी 30 मिनट तक हो सकती है, और किसी किसी पोलन ग्रेन की बहुत मंथ तक हो सकती है, बहुत ज्यादा या फिर बहुत दिनों तक वो मतलब वायबल हो सकते हैं। याद रखना कि स्पोरो पोलिनिन बहुत ही हार्ड होता है, तो इसलिए हम लोग माइक्रोफोसिल्स के फॉर्म में भी मिलेगा, मतलब कि कहीं कहीं लाखों साल पहले, हजारों साल पहले का पोलिन ग्रेन अगर कहीं पे दबा पड़ा है तो हम लोग उसके वो पोलिन को पता कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं, क्योंकि उस पोलिन ग्रेन का स्पोरो पोलिनिन डिग्रेड नहीं होता किसी एंजाइम में, किसी केमिकल से। तो ये माइक्रोफोसिल के तौर पर भी, ये माइक्रोफोसिल के तौर पर भी हमें मिलेगा। और इसके स्कल्पचर्स, बाहर के जो आवरण है उसके आधार पे ये पता लगाया जा सकता है कि वो कौन से फैमिली या कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करता है, वो कौन से प्लांट का इस पोलन ग्रेन हो सकता है। पोलन ग्रेन की स्टडी को हम लोग पैलियोलॉजी कहते हैं, पैलियो लॉजी कहते हैं, मतलब स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को हम लोग पैलियोलॉजी कहते हैं। अब ये हम लोग ने पता कर लिया कि कौन सा पोलन ग्रेन का वायबिलिटी कब तक हो सकता है। जब आप देखोगे कि पोलिन ग्रेन पूरा बन के तैयार हो चुका है, तो पोलिन ग्रेन जब पूरा बन के तैयार हो जाता है तो फिर
पॉलीग्रेन पूरा बनके अगर तैयार हो जाता है तो यहाँ पे जो इसके बता रहा हूँ कि जो एक ही लोब में बना रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, और ये दूसरा लोब में बना रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन पे जो भी एंडोथीसियम लेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसिकेट कर जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिट जाएगा सारे एंडोथीसियम लेयर और ये एक ही सेक बन जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। और यहाँ पे भी एंडोथीसियम लेयर होता है, इस तरह से मोटी सी लेयर होती है एंडोथीसियम। तो ये जो लेयर होगा, यहाँ पे जो लेयर होती है वो डिसिकेट कर जाती है एकदम, इसके सेल वॉल एकदम मिल जाते हैं आपस में, चिपक जाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे पतला सा लेयर बन जाता है, ठीक है। तो जो मोटी सी एंडोथीसियम की लेयर थी अब यहाँ पे क्या हो गई है, पतली हो गई है, ठीक, यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे इस तरह से पतली हो जाती है। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी पोलन ग्रेन यहाँ पे बन के रेडी हुए हैं, ये पोलन ग्रेन यहाँ से अब प्रेशर देते हैं, और जैसे 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 ये बढ़ते जाते हैं तो इस पर प्रेशर देते हैं, और ये फिर यहाँ से डिस्टिकेट हो जाता है, मतलब फिर ये फट जाएगा, और फट जाने के बाद से सारे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इस जगह को हम लोग स्टोमियम कहते हैं, इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमियम, ठीक। बाकी कहीं से भी पोलन ग्रेन नहीं आएगा, यही डेसिकेट कर जाएगा ये पॉइंट स्टोमियम, और यहीं से सारे पोलन ग्रेन बाहर निकल के आ जाएंगे। जब पोलन ग्रेन बाहर डेहिसेंस करता है, जब बाहर निकलता है, तो उस दौरान हो सकता है कि कुछ पोलन ग्रेन्स के अंदर बदलाव आते हैं, और वो दो सेल स्ट्रक्चर में निकलेगा या फिर थ्री सेल स्ट्रक्चर में निकलेगा। तो एक टेट्राहेड, टेट्राहेड में से आपने एक पोलन ग्रेन को लिया, और पोलन ग्रेन का जो टेट्राहेड होता है शुरू में कुछ केमिकल्स के थ्रू, कैलोज केमिकल्स के थ्रू ऐसे चिपका रहता है आपस में, बाद में ये सारे कैलोज केमिकल्स जो होते हैं वो डिसेमिनेट कर जाते हैं, डिसिकेट कर जाएंगे, और फिर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर ये सारे के सारे फिर फ्री हो जाएंगे, इस तरह से वो, तरह से वो फ्री हो जाएंगे। अब इसमें से किसी एक पोलन ग्रेन को आप ले लो, और इस पोलन ग्रेन के अंदर आप देखोगे कि क्या है, इस पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस ये न्यूक्लियस कैसा है हमारा, हैप्लॉइड है, और ये हैप्लॉइड है, ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू फिर दो सेल्स, दो न्यूक्लियस बना है ना, दो न्यूक्लियस बनाते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। इसको मैं दूसरे पिक्चर में बना देता हूँ। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन से यहाँ पे आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे, एक छोटा वाला न्यूक्लियस होगा और एक बड़ा वाला न्यूक्लियस होगा। इसी दौरान यहाँ पे वैक्यूल बन चुका रहता है, वैक्यूल ज्यादा बड़ा होता है जो कि इस न्यूक्लियस को एक एंड की तरफ नीचे भेज देता है। जो छोटा वाला होता है वो हमारा जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है। तो जनरेटिव सेल 60% में, 60% प्लांट्स में डाइकोट में वो दो सेल स्ट्रक्चर में निकलेगा डिहिसेंस करके इसी दो सेल स्ट्रक्चर में, बाकी 40% प्लांट्स में वो थ्री सेल स्ट्रक्चर में डिहिसेंस करता है, ठीक है, और ये टू सेल स्ट्रक्चर में डिहिसेंस करेगा। थ्री सेल में क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है हमारा, जनरेटिव सेल दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है, जनरेटिव सेल ही ट्यूब सेल क्या बना देते हैं, दो सेल्स बना देते हैं, और ये दो सेल प्लस प्लस एक हमारा वेजिटेटिव सेल है ना, जिसको हम लोग ट्यूब सेल भी कहेंगे, वेजिटेटिव सेल या फिर हम लोग ट्यूब सेल कहेंगे। ये दो जनरेटिव सेल्स का क्या होगा आगे चल के हम लोग फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। फिलहाल तो यहीं पे चीजें हम लोग खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।